तो गाइस सबसे पहले इस बम्बू कूलर का वाटर पंप चला के दिखाता हूँ। देखिए ओ भाई साहब, एक अलग ही खुशबू आ रही है। अब इस बम्बू यानी कि बांस से बने एसी कूलर की हवा खाते हैं भाई साहब, आपको यकीन नहीं होगा। देखिए हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर। जी हाँ भाई साहब, आज इस वीडियो में बनाने वाले हैं बांस का कूलर। नहीं, मैं नहीं मानता। एनी गाइस, बम्बू का कूलर और भैया मैं कैसे लेकर आया हूँ, कितने का लेकर आया हूँ, कहाँ से लेकर आया हूँ, इसका गाइस मेरा पूरा ब्लॉग बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर आप देख सकते हो। और गाइस यकीन मानिए, अब तक का सबसे सस्ता कूलर होगा ये। मतलब गाइस अगर आप पीवीसी से बनाओगे ना भाई साहब, वो भी कॉस्टली पड़ जाएगा, उसकी बॉडी कॉस्टली पड़ जाएगी। तो गाइस सिंपल सी बात है, आप जानते हो देखिए, ये भाई साहब बांस आता है इस तरीके से, मतलब भाई बांस पूरा लंबा आता है, 10 फीट 20 फीट 30 फीट, हमने थोड़ी कटिंग कर ली है और गाइस ये काफी आसानी से अलग अलग हो जाते हैं। चले गाइस मैं आपको एक लाइव करके दिखाता हूँ। तो गाइस सपोज कीजिए मुझे इसके दो करने हैं, सबका सेम प्रोसेस है। और भाई ये कुछ टूल है मेरे पास, मतलब भाई साहब मेरे पास कोई स्पेशल टूल नहीं है फाड़ के अलग करने का, आप तो चाहे इसका यूज कर सकते हो चोट मार के, या भाई मैंने एक प्लाय बनाया था, ठीक है आप इसका यूज कर सकते हो ऐसा करके, ये बहुत आसान पड़ जाएगी, बहुत आसान है। तो गाइस जब मैं फाड़ सकता हूँ तो आप भी फाड़ ही दोगे, ठीक है, तो बहुत आसानी से फट जाता है, ये ताजा ताजा हाँ बम्बू है। तो गाइस बहुत मजा आएगा इस वीडियो में, बिल्कुल यूनिक टॉपिक होने वाला है। चले गाइस बढ़ाओ चलते हैं, इंट्रो देख लेते हैं। समर एक्सपेरिमेंट। अब गाइस एकदम चिपका तो नहीं सकते, सिंपल से बात है, आप जानते हो इसके अंदर पानी चलेगा, तो गाइस हम एक देसी बम्बू कूलर बना रहे हैं। तो भैया सबसे पहला मैं देखना पड़ेगा कि इसके डायमेंशन यानी कि लेंथ या हाइट कितने रखनी है। तो गाइस आप अपने हिसाब से आ सकते हो। चले गाइस फटाफट जोड़ने का काम करते हैं, और ये जोड़ने के लिए एक सिंपल सा वायर चीज है। तो भैया ये रहा वो वायर, लेंटर जब डलता है तो सरिया का जाल बनता है, तो वाला ये वायर है, इससे भाई हम जोड़ सकते हैं। पहले हम इसकी शीट बनानी है। तो भैया सबसे पहले पतली लकड़ी ही बोल रहा था पहले मैं, तो भाई साहब ऐसे इनको हम पहले देख लेते हैं कि भाई साहब कितनों की जरूरत है, क्योंकि गाइस ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होगा हमारे लिए कि भाई इसे जोड़े कैसे। जैसे भाई सपोज कीजिए ये हमें इतनी इसकी शीट बनानी है, अब आप गाइस इधर से फेस रखोगे या दूसरी साइड से फेस रखोगे, यानी कि एक फेस ये रहा इसका और एक फेस ये रहा, तो गाइस सिंपल बात ये वाला फेस ठीक रहेगा, तो गाइस हम पल्ला वाला फेस रखेंगे। तो गाइस ये हो गया लगभग 6.25 इंच, इसके भैया लेंथ में रखने वाला हूँ 10 इंच, तो इन सारों को 10-10 इंच के पार्ट में कट कर लूंगा। तो लीजिए भाई साहब सारे बहुत आसानी से कट गए हैं। तो गाइस मेरे पास मशीन थी, यू वेर चालाक ब्रो, आप आर से भी कट कर सकते हो। भाई ये मैंने एंगल ग्राइंडर से कट किए हैं, थोड़ा गाइस आपको लग रहा होगा जल गया है, लेकिन भाई से बहुत अच्छी कटिंग हुई है। अगर भाई मैं इस आर से काटता या इससे काटता तो भाई साहब ये निकलते, देख रहे हो, इसमें आप गांठ में लगा सकते हो, ओह सॉरी टूट गया। तो गाइस इसलिए मैंने मशीन से काटे हैं, या आप काट के घिस सकते हो तो भी गाइस ये भले हो जाएगा। और गाइस फिलहाल ये कोई वेस्ट नहीं है, इसे हम बाद में यूज करेंगे, वेस्ट कुछ भी नहीं होने वाला। अब फटाफट इन्हें जोड़ना पाते हैं। तो गाइस 4-5 तरीके तो आपका भाई बता देगा, बाकी गाइस आप बता दोगे। तो भाई एक तरीका तो ये है कि भाई साहब इसे इसके ऊपर यानी जो फंटी है इसे इसके ऊपर लगाओ, और भाई जो लेंटर का वायर है यहाँ पर लगाते रहो, है ना, इस तरीके से इसके बल लगाते रहो, लेकिन वो थोड़ा अटपटा सा लगेगा और भाई टाइम इसमें कंज्यूम होने वाला है। दूसरा तरीका यह है, ये रहे जिप्सम स्क्रू या कोई भी आपके पास स्क्रू हो, ये बहुत सस्ते आते हैं, 25 पैसे का एक है, तो 1 रुपए का 4 मिलते हैं। तो भाई इसमें ड्रिल मशीन से होल करो और भाई साहब स्क्रू लगा दो। दो तरीके बता दिया आपको मैंने, इसे भी रखते हैं थोड़ा सा इधर को। तीसरा तरीका ये रही देगी कील, 90 ग्राम मिली है मेरे को 10 रुपए की, अलग जगह अलग अलग रेट मिल सकते हैं। भाई काफी पतली है, 20 नंबर कील है, सीधे इसके अंदर ठोको और भाई इन्हें टेढ़ा कर दो। और भाई साहब चौथा तरीका यह है कि आप इस पे एल्डाइट लगा सकते हो, या एमसील से चिपका सकते हो, या ग्लूगन से चिपका सकते हो, लेकिन भाई वो चीज इतनी कामयाब नहीं है। तो गाइस या तो हम स्क्रू लगा सकते हैं या कीले लगा सकते हैं। तो गाइस हम यूज करने वाले इन कीलों का, काफी पतली कील है तो बांस को फाड़ेगी भी नहीं और आराम से बैंड भी हो जाएगी। तो लीजिए गाइस ऐसे मैंने दो बना दिए, क्यों गाइस ये दोनों साइड है और गाइस ये काफी मजबूत है, ऐसे नहीं कि भाई झड़ जाएंगी, और भाई काफी अच्छी फिनिशिंग के साथ बनी है। तो गाइस अब इसका टॉप और बॉटम बनाना है। तो गाइस ये मैं कुछ पीस कट कर चुका हूँ पहली, और भाई ये है 12.5 सेंटीमीटर, तो भाई हम ये कोई भी पीस ले लेंगे जो हमने साइड वाला बनाया था, इसके बराबर ही हम देखेंगे। लेंथ तो गाइस आपने देख ली, मैं थोड़े लंबे पीस लिए हैं, इनका भी गाइस मैं आपको यूज बताने वाला हूँ, देखिए, और बाकी सब छोटे नाटे मोटे हैं। देखिए गाइस मैंने ये इसमें लगा ली, ये इसके हिसाब से जो गई, ये सपोज करो गाइस ये बॉटम है, तो गाइस ये जो लंबे वाले मैं इन्हें ऐसे लगाऊंगा जैसे गाइस ये मैंने जोड़े हैं। अच्छा गाइस बात ऊपर जा रही है ना ऊपर से, तो देख लेते हैं, बने रहो। तो गाइस सबसे पहले हमने सेट कर लिया कि भैया ये कितने लगा
होंगे और उसके बाद देखिए ये जो लंबे लंबे वाले पीस हैं, ये गाइस मैंने 12.5 यहाँ रखा है और 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर रखा है। तो गाइस इस पर हम पहले ऑपरेशन करेंगे। इसे गाइस पूरा नहीं काटेंगे, हाफ काटेंगे बस, क्योंकि इसकी मोटाई थोड़ी ज्यादा है। और गाइस कोई सा भी नाइफ लेंगे और भाई इसकी पतली पतली जो पपड़ी सी है हटा देंगे। ये बहुत आसान चल जाती है, देखिए थोड़ा सा हाथ बचा करें वरना हाथ में लग भी सकती है। हम यहाँ थोड़ा पतला करेंगे, उसके बाद गाइस ये आराम से बैंड हो जाएगा। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, पहले गाइस मैं दोनों को बिल्कुल सेट कर लेता हूँ। ओ भाई ये क्या है, ये तो सोन पपड़ी निकल गई। ऐसा बनाया सोन पपड़ी। और भाई इस सोन पपड़ी को टेस्ट करके देखते हैं। मीठा डालना बोले कुछ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैंने थोड़ा सा घट्टा से कर दिया हल्का सा और यहाँ से इन्हें काट दिया। अब गाइस आसानी देखे गाइस, देखो ये रह मुड़ गए, टूटेगा नहीं। एक बात और गाइस, अगर आपको इसे तोड़ना नहीं, बाइसेप टूट सकता है, तो आप इसे हीट कर सकते हो थोड़ा सा। तो हम इसे हीट करके ही मोड़ेंगे। फिलहाल इन दोनों को भाई साहब अच्छे से यहाँ पर लगा लेंगे। तो लीजिए गाइस हमारा कूलर लगभग 70% बनकर तैयार हो गया है। काफी मस्त लग रहा है भाई, जो बात है ग्रीन ग्रीन। ठीक है, यहाँ मैंने एस्पेस्ट स्विच लगा दिए, सिंपल से बात गाइस, एक पंप के लिए और एक मोटर के लिए। तो चले गाइस अब आते हैं फटाफट के फैन पर। भाई साहब फैन में ऐसा लगाने वाला हूँ, आपने थंबनेल में देख लिया अबे साले। तो भाई साहब ये रहा वो एडजस्ट फैन जो की 120 mm यानी कि 12 सेंटीमीटर का है। और गाइस ये BLDC मोटर होता है इसके अंदर। तो गाइस ये इसके अंदर कार्बन में नहीं होती, तो गाइस ये घिसता भी नहीं है, काफी लंबी इसकी उम्र होती है, बहुत लंबा चलता है। और गाइस इसके अंदर पानी भी नहीं जाएगा। और गाइस ये पहले वाले से ज्यादा पावरफुल है। रुक जाइए, ये मैंने कूलर बनाया था, आपने देख लिया, मुझे पता है ये काफी मस्त काम कर रहा है। ओ भाई इसके अंदर अभी भी पानी है, पानी लीक नहीं हो रहा। मैंने कहा इसके अंदर एयर टाइट लगा दी थी। अगर गाइस आपको यकीन हो तो गाइस मैं थोड़ा सा पानी आपको इसका निकाल के दिखा देता हूँ। देखिए ओए ओए पानी निकल गया। और गाइस अगर आप खाली इंस्टेंट ग्लू लगा दोगे आधे घंटे में वो छुटके बेकार हो जाएगी। तो गाइस एल डाइट से चिपका सकते हो, कहीं नहीं जाने वाला। और गाइस इसके जो फैन है, आपने गाइस कितने पावरफुल कैसिन की हवा है, लेकिन भाई साहब इससे भी ज्यादा पावरफुल ये वाला है। क्यों गाइस ये तो मैक्सिमम 3 एम्पीयर लेते हैं, लेकिन भाई साहब ये मैक्सिमम देखिए 4.80 एम्पीयर, अप्रोक्स 5 एम्पीयर गाइस, मतलब की काफी पावरफुल है। 12 वोल्ट पर चलता है ये भी रो भी। अगर इसकी नहीं देखी एंड इसकी मैं लगा दूंगा, आप देख सकते हो। तो भाई साहब जहां पर स्टिकर लग रहा है उधर साइड से ये लगेगा, और मैंने इसके हिसाब से ये गैप छोड़ा है 12x12 सेंटीमीटर का है। आप चाहे तो पहले लगा सकते हो या पीछे से पहले लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मस्त बिल्कुल। और गाइस ये अच्छा भी लग रहा है, ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से फिट हो जाता है। तुमने क्या लग सकते हो, मोटर लगाओ, कोई प्रोपेलर लगाओ, कुछ मत लगाओ, खाली फैन लगाओ। अब आते गाइस इसके बैक पर, क्योंकि इसमें अभी पंप भी लगाना है, पीछे जाली का भी जुगाड़ करना है, अभी बहुत सारे काम करने हैं। प्लीज दोस्तों बन रही है। तो गाइस सिंपल से बात है, जब ये हवा आपको ज्यादा देगा, ये जो फैन है जब आपको ज्यादा हवा देगा तो गाइस ज्यादा हवा लेगा भी। तो गाइस इसके लिए टन टन ये भाई साहब हनीकॉम भाई ये सबसे बेस्ट है। ये आप इसमें कोई भी नेट लाओगे, कोई जाली वाली लगाओगे, तो गाइस वो काम नहीं करेगी, वो ब्लॉक कर देगी एयर को, गाइस ये ज्यादा हवा आपको नहीं दे पाएगा। तो गाइस हनीकॉम जो होती है ये काफी मस्त है, कूलिंग भी अच्छी रहेगी और भाई इसकी उम्र बहुत लंबी होती है। खैर जो बात है भाई, इसे हम पीछे लाएंगे तो ये काफी मस्त लगेगी। पहले गाइस इसके मोटर पाते हैं, इसके अंदर पहले मोटर फिट करेंगे, उसके बाद हम इसे फिट करेंगे। तो गाइस यहां पर हम यूज करने वाले 5 वोल्ट का समर सेल पंप, वाटर पंप भी कह सकते हैं इसे। इसके गाइस काफी अच्छा थ्रो है कूलर के हिसाब से, लेकिन गाइस ये चलता है 12 वोल्ट पर, ये चलता है 5 वोल्ट पर। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं 7805 IC, जो गाइस 12 वोल्ट को कन्वर्ट करके स्टेप डाउन करके 5 वोल्ट इस पंप को दे देगी, जिससे गाइस ये मस्त चलेगा बिल्कुल मक्खन। और गाइस पाइप में वाली यूज करने वाला हूं, जो की वाटर लेवल का पाइप आता है और हार्डवेयर शॉप पर बहुत इजी आपको मिल जाएगा, 8 रुपए मीटर मेरे को मिला है। और भाई इसके अंदर अभी अच्छा जाता है, देखिए मस्त। तो चले गाइस अब फटाफट भैया इन सब की फिटिंग करते हैं, यहाँ पर एक हीट सिंक जरूर लगाएं। चलिए शुरू करते हैं।
आउटपुट प्लस आउटपुट माइनस, इनपुट माइनस इनपुट प्लस, यानी कि इनपुट और आउटपुट। तो ले गाइस, हमारा कूलर बनकर कंप्लीट हो गया है 95%। लेकिन भाई साहब, अभी जो पानी जाएगा नीचे, वो नीचे चला जाएगा, मतलब वो चला ही जाएगा। अरे यार, हमें माफ करो यार, तुम यहाँ से जाओ यार, मतलब बह जाएगा। तो गाइस, इसका हमें एक जुगाड़ करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर आप एक बॉक्स बना सकते हो अलग से, जो गाइस उस बॉक्स के अंदर आप इसे रख सकते हो। भाई साहब, जितना पानी बहेगा सब बॉक्स के अंदर आएगा और वापस ऊपर जाएगा। गाइस प्लीज, पहले आप इसका लुक बताइए, अभी कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है बांस का कूलर। आपने गाइस कभी देखा है बांस का कूलर? तो गाइस, ये जो हनीकॉम्ब है, ये ज्यादा हवा प्रोवाइड करेगी इस फैन को, तो गाइस काफी अच्छी हवा हमें दे पाएगा। चलो भाई, अब फटाफट के बॉटम का जो बॉक्स है या वाटर टैंक है उस पर आते हैं। बदबू आ रही है इसमें से तेल की, तो काफी लगता है 150 साल से गाइस रखा है। ओ, इस पे लिखा भी है सिंस 1970। ओ भाई साहब, तू समझा? ओ भाई साहब, हाँ, अगर मोटा मोटा के भाई से 30 और 23 तड़पन साल तक ऐसे करता रखा, बताओ। कोई बात ना, इसकी तपस्या पूरी हुई, हमने इसकी सुन ली है। ये जो है इसके अंदर आसने से आ जाएगा, देख रहे हो, इसकी जो चौड़ाई है वो कूलर से ज्यादा है ना, इसका नस्तर की। तो गाइस हम क्या करेंगे, हम सीधा इसे काट देंगे। जितना गाइस हम इसमें पानी भरना चाहते हैं, हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। बाद में कहीं खराब होगा टैंक, तो आप दूसरा चेंज कर सकते हो। तो गाइस देखिए कितना मस्त लग रहा है। ये खाली ग्रीन कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब कि बिल्कुल प्लेन सा लग रहा था। तो गाइस मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा येलो भी स्प्रे कर दिया, ठीक है। तो गाइस अब ये काफी अच्छा लग रहा है, येलो ग्रीन। और गाइस ये हमारा कूलर, तो भाई इसमें हम इसे मोहब्बत से रख सकते हैं। देखिए बढ़िया, पीछे भी गाइस काफी जगह है, काफी स्पेस है। इसमें गाइस एक फायदा होगा कि इसमें यार पानी काफी ज्यादा आ जाएगा, इसके अंदर गाइस पानी काफी कम आता। तो गाइस फटाफट से पानी भरते हैं भैया। तो गाइस एक फायदा और हो गया, हमें कूलर नहीं ले जाना पड़ेगा, सीधा टैंक उठा के ले जाएंगे। तो गाइस मैं पानी भर के आता हूं मैं। अब आएगा मजा, बहुत जल्दी में आ गया। तो वैसे गाइस मैंने इसे हाफ ही भरा भैया, आधा भरा है। तो भैया इसे इसके अंदर डालेंगे, पानी में तैरने का भाई इतना लगाना है, कभी समझ रहे हो? थोड़ा सा और डाल देते हैं बस भाई, अभी तो भाई आधा भी नहीं है। तो भाई इसे ऐसा कर लेते हैं और लगा दे, ठीक है। 12 वोल्ट की बैटरी यूज कर रहा हूँ, आप कोई 12 वोल्ट की बैटरी या ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हो, कोई सप्लाई यूज कर सकते हो। तो गाइस मैं ये फटा वाले एंगल ले आया हूँ, तो काली पॉलिथीन पड़ी थी भैया, एलईडी वाली मैंने फाड़ी थी पिछले वाली वीडियो में। गाइस सबसे पहले देख लो भाई, पानी नहीं निकल रहा बिल्कुल भी, ठीक है। ये जो है ये छींटे हैं पहली, अभी आपको समर ये क्या है। अरे भैया कुछ ना है, भाई साहब फैन की मानी उससे भी ज्यादा तेज है। देखो भाई बस, तो भाई हवा तो बहुत तेज है इसकी। हाय 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 हाय, पहला भाई मैं हवा तो खा लूँ। देखो भाई गाइस काफी तेज हवा है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ गाइस, अब मैं इसे ऐसे घुमा देता हूँ, और भैया इसका अब पंप चलाते हैं। तो थोड़ा सा गाइस अभी ये स्टार्टिंग है ना, तो अभी स्टार्टिंग में निकलेगा, ये पूरा गेल हो जाएगा तब नीचे आएगा, है ना। देखिए जो भी गाइस आपके सामने लाए हुए, इसे थोड़ा सा अंदर कर सकते हो। वैसे गाइस मैंने बिल्कुल फिट लगाई है, ढीली नहीं पड़ेगी आसानी से। स्टार्टिंग पानी आया था, अब पानी नहीं आ रहा, कोई यहाँ पर फेंक वाली बात है ही नहीं। तो अब ये और भीगी अच्छे तरीके से थोड़ा सा, तो ये पानी नहीं गिरेगी, और गिरता है तो यार हमारे हाथ में कोई दिक्कत ना आ रही, इसे थोड़ी सी अंदर कर दो। तो चले गाइस अब इसका मोटर खोलते हैं। हाय हाय हाय, अरे भाई साहब, ओ हो, क्या मस्त हवा है, बहुत पंप भी चल रहा है। और गाइस यकीन मानिए भाई, क्या ठंडी ठंडी हवा दे रहा है। और गाइस एक खुशबू आ रही है, बम्बू में आती है हल्की सी, ऐसी खुशबू भी आ रही है स्टार्टिंग में। और गाइस जरा सा भी एक सिंगल बूंद भी मेरे हाथ में पानी नहीं आ रहा है। तो गाइस पीछे मोटर चल भी रहा है और ये आगे हवा फेंक दे रहा है। और गाइस ये हो रहा हनी कॉम्ब की वजह से, दोनों चीज चल रही है आपके सामने भाई। गाइस काफी तेज हवा, बहुत कमाल है। देखिए पानी रुक गया, फैन भी रुक गया, और भैया अभी इसे निकालते हैं।
देखिए भाई था। नीचे से गाइस मैंने इसे काफी मजबूत बनाया स्ट्रॉन्ग, इसको लगा के कील भी लगाकर ऊपर से गाइस मैंने ग्लूगन से लगा दिया, क्योंकि ऊपर पानी जाएगा ही नहीं। जहां तक पानी रहेगा वहां तक तो गाइस आप आराम से इसको लगा मजबूत करके चिपका दो, बाकी जगह आप ग्लूगन से लगा सकते हो, कहीं जाने वाला है तो आराम से इसमें रखो। तो कूलिंग काफी मस्त कर रहा है। तो भैया मैंने अच्छे से आपको टेस्ट करके दिखा दिया, ठीक है, पानी चल गया है और अच्छा दोनों चल रही है। गाइस प्लीज बताइए आपको हवा कैसी लग रही है ना, देखिए हवा लग रही ना, बढ़िया ठंडी लग रही होगी। तो भैया कंबल उम्बल ओढ़ लो, मैं चलो बंद कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स आई होप ये जुगाड़ आपको अच्छा लगा, कुछ नया आइडिया है प्लीज दोस्तों लाइक करो, सब्सक्राइब करो और प्लीज दोस्तों कमेंट करें जो बताओ। अगर आप प्लास्टिक का मेटल का बनाते हो उससे काफी अच्छा है, हाँ थोड़ी मेहनत ज्यादा है, लेकिन भाई बहुत अच्छी कूलिंग कर रहा है और बहुत मस्त भी लग रहा है, लुक भी इसका काफी अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू सो मच, कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।